आज का क्लास है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो और डिटेल था उसको जो है बेसिक जो चीज़ें थी बेसिक इन्फॉर्मेशन से उसको क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी छुट्टी होने के कारण से जो है हम लोग जो है इसको अब ऑनलाइन जो है स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हम लोग पैरामीटर्स ऑफ एनएमआर। तो एनएमआर्स के स्पेक्ट्रोस्कोपी को मेजरमेंट करने के लिए जो है पांच पैरामीटर का यूज़ किया जाता है। ये पैरामीटर हैं इस प्रकार से हैं, फाइव पैरामीटर्स। पहला है इसमें नंबर्स ऑफ सिग्नल। दूसरा होता है दूसरा जो पैरामीटर होता है वो होता है एरिया रेशियो ऑफ सिग्नल। सिग्नल का एरिया रेशियो के बेसिस पर इसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तीसरा देखिए तो तीसरा होता है केमिकल शिफ्ट। चौथा देखें तो इसमें चौथा होता है मल्टीप्लिसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। पांचवा देखें तो इसमें पांचवा होता है कपलिंग कांस्टेंट। अब इन जो पांच पैरामीटर होते हैं जिसके बेसिस पर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसमें से अब प्रत्येक को जो है हम लोग डिटेल से पढ़ते चलते हैं। जिसमें फर्स्ट का पहला हम लोग देखें तो पहला जो है वो होता है नंबर्स ऑफ सिग्नल। और ये जो नंबर्स ऑफ सिग्नल्स हैं इसके लिए दो बेस दिए गए हैं। इन दो बेसों के आधार पर जो है हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए या एटम्स के लिए जो है नंबर्स ऑफ सिग्नल्स का प्रेडिकेशन कर सकते हैं। जिसमें पहला होता है द इक्विवेलेंस प्रोटॉन्स प्रोड्यूस्ड द सेम सिग्नल। कहने का मतलब है कि जो इक्विवेलेंस प्रोटॉन होंगे वे जो है सेम सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे या सेम इन्वायरमेंटल प्रोटॉन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं सेम इन्वायरमेंटल प्रोटॉन। तो इसके बेसिस पर हम लोग इसके एग्जांपल देखें तो इसके एग्जांपल इस प्रकार से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके एग्जांपल में देखें तो इसके एग्जांपल में जैसे हम लोग ले लेते हैं प्रोपेन। फॉर्मूला देखें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो CH3CH2CH3 ये होता है। इसमें से जो है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेम इक्विवेलेंस वाले प्रोटॉन कौन कौन से हैं और डिफरेंट इक्विवेलेंस वाले प्रोटॉन कौन कौन से हैं। तो इसमें देखें तो ये जो है CH3 और ये CH3, इसमें देखें तो 3H इसमें भी है, 3H इसमें भी है, और केमिकली रूप से यह जो इनका जो इन्वायरमेंट है वो सेम है। सेम होने के कारण से इसका अलग से सिग्नल हमको प्राप्त ना हो करके इनका जो सिग्नल है इन छों हाइड्रोजन के लिए हमको एक ही सिग्नल प्राप्त होता है, ओनली वन सिग्नल्स हमको प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हो गया ये फर्स्ट बेस जिसमें हम बताते हैं कि सेम इन्वायरमेंटल जो प्रोटॉन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेम टाइप के सिग्नल हमको प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें देख लिए कि ये एग्जांपल था, इसमें 3H जो है CH3 जो है इसमें के उपस्थित जो छह हाइड्रोजन है उनका हमको सिर्फ और सिर्फ एक सिग्नल हमको प्राप्त होगा। इसी के बेसिस पर दूसरा इसका आइडेंटिफिकेशन या बेसिस हम बता सकते हैं तो बोला जा सकता है द नॉन इक्विवेलेंस प्रोटॉन प्रोड्यूस द डिफरेंट सिग्नल। और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन बोल रहे हैं तो इसी एग्जांपल में हम लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखें तो इसके एग्जांपल में इसी को ले लें, प्रोपेन को ही ले लेते हैं। तो इसमें बोला जाए CH3CH2CH3। तो यहाँ पे हम लोग तो ये आइडेंटिफाई कर दिए कि यहाँ जो CH3CH3 पर उपस्थित जो प्रोटॉन होते हैं या जो हाइड्रोजन है, जैसे इसमें तीन हाइड्रोजन है
ये दोनों हाइड्रोजन सेम टाइप के हैं तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ये इक्विवेलेंस प्रोटॉन होंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस सी एच थ्री एंड दिस सी एच दैट सी एच थ्री आर इक्विवेलेंस टू ईच अदर। बट यहाँ पे हम देखें तो ये जो सी एच टू ग्रुप है यह जो है इन दोनों से डिफरेंट है, बिकॉज यहाँ पे देखें तो केमिकल इसका इन्वायरमेंट जो है वह डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट केमिकल इन्वायरमेंट होने के कारण से इसको हम लोग जो है नॉन इक्विवेलेंस प्रोटॉन कहेंगे। तो इसको हम लोग जो है आइडेंटिफाई करेंगे किससे, तो बी से। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो इन हियर टू टाइप्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंस प्रोटॉन्स विच इज ए ए टू एच दैट आर प्रोड्यूस ऑफ वन सिग्नल, ये जो है एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा। और इसी प्रकार से देखें जो बी जो है ये बी ये सिक्स एच का है, ए जो है वह सिक्स एच, तो ये एक सिग्नल देगा। और इसमें जो बी है इसको देखें कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन का, तो इस दो हाइड्रोजन के कारण एक सिग्नल हमको प्राप्त होगा। तो ये जो टोटल मिला करके यहाँ पे देखें तो इसमें टोटल मिला करके हमको क्या मिलेंगे, तो टू सिग्नल सिग्नल प्राप्त होंगे। तो दो सिग्नल जो प्राप्त होंगे तो इसके बेसिस पर हम लोग नंबर्स ऑफ सिग्नल्स का आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो इसका नंबर्स ऑफ सिग्नल का दो मुख्य बेस होते हैं, इक्विवेलेंस प्रोटॉन एंड नॉन इक्विवेलेंस प्रोटॉन। इक्विवेलेंस प्रोटॉन एक सिग्नल देंगे, नॉन इक्विवेलेंस प्रोटॉन जितने भी होंगे जैसे वन है टू है तो दो सिग्नल देंगे, थ्री है तो थ्री सिग्नल देंगे, डिफरेंट जितने भी उनकी संख्या होगी उसके बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। इसी बेसिस पर हम लोग जो है एक और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं इससे। तो इससे बड़ा एग्जांपल ले लें तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लोरोबेंजीन का। तो जैसे ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन। अब इस क्लोरोबेंजीन को जब हम स्ट्रक्चराइज करेंगे तो स्ट्रक्चराइज करेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो ये लिखा जा सकता है। देखिए इसको यहाँ से देखें तो एच 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 एच। अब इसके बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि इनका इन्वायरमेंट जो है वह रहने को सभी में एक एक हाइड्रोजन है, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन सेम है, बट जो है हम लोग जानते हैं कि बेंजीन के केस में जो है हम क्या करते हैं तो उसमें सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप की उपस्थिति के कारण से उनके जो पोजीशन है इनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे कि इसमें जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है उसका फर्स्ट पोजीशन, तो ये फर्स्ट पोजीशन जो है वह आर्थो कहलाता है से उसका जस्ट सेकेंड बोथ साइड का, दोनों साइड का, तो जैसे इधर का सेकेंड और इधर का सेकेंड, तो ये कहलाते हैं मेटा। और उसके जस्ट अपोजिट साइड जो होंगे इसको हम लोग बोलते हैं पैर। तो इस बेसिस पर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे थ्री टाइप्स के थ्री केमिकली इन्वायरमेंटल प्रोटॉन उपस्थित है, डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटॉन उपस्थित हैं। जैसे इसमें देखें तो फर्स्ट जो टाइप है वो है जैसे आर्थो का, आर्थो में दो हाइड्रोजन का, तो इसके लिए हमको एक सिग्नल प्राप्त होंगे। उसी प्रकार से देखें तो मेटा में देखा जा सकता है, तो मेटा में भी दो हाइड्रोजन है जिसके लिए हमको वन सिग्नल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखें तो पैरा पोजीशन है, पैरा पोजीशन के लिए देखेंगे तो वहाँ पे दो हाइड्रोजन नहीं है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, तो वन हाइड्रोजन का हमको वन सिग्नल प्राप्त होगा। तो इस बेसिस पर यहाँ पे टोटल थ्री सिग्नल हमको प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल के बेसिस पर एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का स्टडी करते हैं और इस प्रकार से इसका आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। इसीलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा लार्ज एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपका दिया हुआ है ये बेंजीन है, इससे जुड़ा हुआ सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के आधार पर, तो ये सी डबल बॉन्ड ओ, इससे जुड़ा ये सी एच टू और है सी एच थ्री। अब इसमें देखें तो इसमें हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इक्विवेलेंस प्रोटॉन्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंस प्रोटॉन्स का आइडेंटिफिकेशन करें, तो इसमें हम लोग बता सकते हैं। देखें तो यहाँ से एच 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 ये रह गया। अब इसमें देखें तो ये एक टाइप का होगा, ये दूसरे टाइप का होगा, ये तीसरे टाइप का, ये चौथे टाइप का, और ये जो है आपका पाँचवें टाइप का। इसी प्रकार से ये जैसा रहेगा वैसा ही ये भी रहेगा, ये जैसा है तो ये भी ऐसा ही होगा, ठीक है, और ये सबसे डिफरेंट होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखें तो ए बी बी ये हो गया सी और ये भी सी में आएगा, ये हो गया आपका डी, ये भी डी और ये ई। तो कहने का मतलब टोटल यहाँ पे देखें तो फाइव टाइप के प्रोटॉन हैं, तो फाइव टाइप के प्रोटॉन हैं, तो इसका भी आइडेंटिफिकेशन करें हम लोग तो क्या बोल सकते हैं, तो थ्री एच ए जो है वह तीन एच का है, इसके लिए हमको वन सिग्नल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से बी जो है उसका देखें तो उसमें दो एच हैं
और दो एज का यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, तो वन सिग्नल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सी देखें तो सी जो है वह टू एज का है, टू एज का वन सिग्नल, और इसके लिए भी जो है हमको एक सिग्नल ही प्राप्त होगा। डी देखें तो डी में भी दो हाइड्रोजन है और यहाँ भी हमको वन सिग्नल प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सी देखें तो सी का है आपका वन हाइड्रोजन, जैसे कि वन हाइड्रोजन, और इसके लिए भी हमको वन सिग्नल प्राप्त होगा। तो टोटल मिला करके हम देखें तो यहाँ से हमको फाइव सिग्नल प्राप्त होंगे, फाइव सिग्नल प्राप्त होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है, इसके लिए हमको फाइव डिफरेंट इन्वायरमेंटल प्रोटॉन उपस्थित होने के कारण से हमको फाइव सिग्नल प्राप्त होते हैं। तो इस बेसिस पर जो है हम लोग नंबर ऑफ सिग्नल्स का प्रेडिकेशन करते हैं। अब इसी में नंबर्स ऑफ सिग्नल्स में प्रेडिकेशन में और आगे चलें तो और आगे चलेंगे तो इसके बेसिस पर और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके आइडेंटिफिकेशन किया जाता है नंबर्स ऑफ सिग्नल्स का। तो आगे देखते हैं इसमें, तो आगे के लिए ये जैसे आपका एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा हार्ड वाला। तो जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। तो यहाँ पे हम देखें तो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोल सकते हैं, तो जैसे CH3 CH3 सेम टाइप के हो जाएंगे, CH2 CH2 ये दोनों भी सेम टाइप के हो जाएंगे, ऐसा हम जनरली वे में बोलते हैं। बट यहाँ पे देखें तो केमिकल इन्वायरमेंट इसका जो है डिफरेंट होता है। अब ये केमिकल इन्वायरमेंट डिफरेंट कैसे है इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए देखें तो यहाँ पे हम देखो तो ये बता सकते हैं कि यहाँ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो इधर से है O और इससे ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, यह इससे डिफरेंट है, मतलब इसके साइड से ये कार्बन है बट इसके साइड से ये ऑक्सीजन है, इधर से और इधर से ये तो सेम है, तो सेम है तो ये CH3 के कारण सेम हो रहा है, बट इसके कार्बन कीटो ग्रुप की उपस्थिति के कारण और इधर ऑक्सो ग्रुप की उपस्थिति के कारण ये दोनों डिफरेंट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है मेरा, तो यहाँ पे मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आपका CH3 CH3 जो ग्रुप है वो दोनों तो सेम होंगे, ये और ये दोनों सेम होंगे बिकॉज ये सेम इन्वायरमेंट में है। क्यों? क्योंकि इधर देखें तो कोई भी स्पेस में कुछ नहीं है, देन इस साइड से देखें तो CH2 ग्रुप जुड़ा है, इसी प्रकार यहाँ भी देखें तो CH3 है, इधर से CH2 जुड़ा है, तो ये दोनों सेम टाइप में होंगे बट ये और ये जो ग्रुप होंगे ये डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट है ये तो पता चल गया, इधर से देखें ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इधर से देखें ये वाला तो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हम बता सकते हैं कि यहाँ पे ए टाइप के जो प्रोटॉन है वह 6 हाइड्रोजन का वन सिग्नल हमको देगा। उसी प्रकार से बी जो है आपका 2 हाइड्रोजन का वह भी हमको वन सिग्नल देगा, और इसके अलावा देखें तो जो सी टाइप का है यहाँ भी देखें तो 2 हाइड्रोजन का वन सिग्नल हमको प्रोड्यूस करेगा। तो टोटल मिला करके यहाँ पे जो है 3 सिग्नल हमको मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह जो मॉलिक्यूल होगा वह 3 सिग्नल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसके बेसिस पर ये हो गया। इसके अलावा एक और छोटा सा एग्जांपल देखें अदर एग्जांपल में, तो अदर एग्जांपल में जैसे कि आपका कुछ जो ग्रुप होते हैं जैसे कि अल्कोहलिक ग्रुप, एमीन ग्रुप, ये जो ग्रुप हैं इनके जो हाइड्रोजन होते हैं, जैसे एल्कोहल ग्रुप में देखें तो जैसे आपका एथिल एल्कोहल है C2H5OH, ये C2H5OH का जब हम डिटेलिफिकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो CH3 CH2 और है OH। अब इसके लिए हम लोग स्टडी जब करते हैं तो दो केस स्टडी करते हैं इसका, केस 1 एंड केस 2। तो इसमें केस 1 में क्या होता है, केस 1 को हम लोग प्योर के केस में लेते हैं और केस 2 को इम्प्योर के केस में लेते हैं। तो प्योर के केस में जब लेते हैं तो प्योर के केस में क्या होता है, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन इम्प्योर के केस में देखें तो यहाँ पे इसमें वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे। तो प्योर और इम्प्योर किस बेसिस पर है, तो अब्सेंट ऑफ H2O एंड यहाँ पे प्रेजेंट ऑफ H2O, तो H2 प्रेजेंट की उपस्थिति के कारण और अब्सेंट की उपस्थिति। तो इसको डिटेल देखें तो डिटेल ऐसा लिख सकते हैं हम लोग CH3 CH2 OH, तो इसमें देखेंगे तो ये अलग होगा और इसके लिए देखेंगे तो CH3 CH2 OH + H2O, ये इन्वायरमेंटल में उपस्थित रहेगा उससे, या फिर वो इम्प्योर है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल उपस्थित होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो सिग्नल होगा वो ये एक टाइप का प्रोटॉन देगा, ये दूसरे टाइप का प्रोटॉन है और ये तीसरे टाइप का,
तो कहने का मतलब यहाँ से हमको क्या मिलता है, तो टोटल मिला करके 3 सिग्नल हमको प्राप्त हुए, ठीक है, किस केस में, प्योर के केस में। बट जब हम इसको इम्प्योर के केस में देखें तो इम्प्योर के केस में ये बस इतना चेंज हो जाता है, जैसे कि ये आपका है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन करता क्या है, तो यहाँ पे उपस्थित जो भी ग्रुप है इससे यह क्या करेगा, तो जैसे इसको और डिटेल इस साइड से लिख देते हैं, CHO और H, ये हो गया आपका वाटर। अब यहाँ से होता क्या है, तो इसमें इम्प्योर होने के कारण से यह क्या करता है, जो इसके साथ में ये इसके साथ में क्या होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, तो ये होता है वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथ लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो ये वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम और लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स के कारण उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखें इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें यह जो प्रोसेस है, यह जो साइकिल है, यह कंटिन्यूअसली चलते रहता है। कंटिन्यूअसली चलते रहने के कारण से जब हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में इसका डिटेक्शन के लिए डालते हैं तो इनका हमको सिग्नल प्राप्त नहीं होता है, और सिग्नल प्राप्त ना होने के कारण से इस मॉलिक्यूल के लिए, कौन सा, एथिल अल्कोहल के लिए, इम्प्योर के केस में हमको सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिग्नल ऑब्जर्व करके देता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, ओनली 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से ये हम देखें तो एक और एग्जांपल, ये तो हो गया आपका ऑक्सीजन वाला केस। इसके अलावा एक और केस होता है जैसे कि एमीन का केस, तो CH2H5NH2, ये भी क्या होता है, तो इसको भी हम दिखाएंगे, तो CH3CH2OH NH2NH2, ये हो गया। अब इसमें भी क्या होता है, तो इसमें भी अगर हम वाटर मॉलिक्यूल रहेगा, तो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा तो सेम प्रोसेस होगा यहाँ भी, तो जैसे HOH, तो यहाँ भी क्या होता है, तो यहाँ भी इसी प्रकार का साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। तो यहाँ भी क्या होगा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसके लिए, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण से इम्प्योर के केस में यहाँ भी हमको ए एंड बी के लिए सिर्फ 2 सिग्नल प्राप्त होंगे, बट प्योर के केस में हमको यहाँ से 3 सिग्नल प्राप्त होता है, 3 सिग्नल इन प्योर। प्योर के केस में हमको 3 सिग्नल प्राप्त होंगे, लेकिन इम्प्योर के केस में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रोड्यूस नॉट प्रोड्यूस सिग्नल्स इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, हेंस दिस आर ओनली प्रोड्यूस अ 2 सिग्नल इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस बेसिस पर हम लोग जो है इसका इन्वायरमेंटल जो है इन्वायरमेंटल के बेसिस पर इसमें उपस्थित प्योर इम्प्योरिटीज के बेसिस पर हम लोग जो है नंबर्स ऑफ सिग्नल्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर्स ऑफ सिग्नल।